नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पटना में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में सैलरी नहीं मिलने से आक्रोशित नर्सों ने गुरुवार को हड़ताल कर दी, काम ठप कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे इलाज कराने आए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा, ओपीडी ठप हो गई, इंडोर व्यवस्था भी बाधित हो गई, पहले से एडमिट मरीज भी परेशान हो गए, ऑपरेशन शेड्यूल भी गड़बड़ाने की बात कही जा रही है। गुरुवार की सुबह नर्स काम से अलग हुई और नई बिल्डिंग के पास जमा हो गई। संस्थान की तरफ से बार बार मांग करने के बाद भी राशि नहीं मिलने के कारण आक्रोश बढ़ गया। कई नर्सों ने हाथों में पोस्टर भी लिए थे, इस पर दे दी ताली और थाली, जेब कर दी खाली, जैसे स्लोगन लिखे थे। नर्स को अगस्त महीने की सैलरी अब तक नहीं मिली है। 1500 से अधिक कर्मियों ने हड़ताल की चेतावनी दी थी। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर एनआर विश्वास ने पहले ही हड़ताल की आशंका में स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था। विभाग ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। 1500 से अधिक कर्मियों ने हड़ताल को लेकर निदेशक को पत्र दिया था। इसमें लिखा था कि अगर अगस्त का वेतन नहीं दिया जाएगा तो गुरुवार से हड़ताल पर चले जाएंगे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डीबीएस टीवी।